तो भाई ऐसा है, निकलने का समय आ गया। टेम्परेचर है कुछ 5 डिग्री और अपने को निकलना है झांसी। निकलते तो हैं, देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं। चलिए तो दोस्तों, वी आर ऑल सेट टू लीव। और ये रहा मेरा बैकपैक, और अब जाते हैं, पांडे जी उठाते हैं और जर्नी को शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि पांडे जी और मैं ऑफिस में बैठे बैठे एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि साल भर हो गया है हम लोग कहीं घूमने नहीं गए कोविड की वजह से और ऑफिस की वजह से। तो ऐसे ही मन करने लगा तो अपन ने खोला गूगल और सर्च किया कि आसपास सबसे अच्छी जगह कौन सी है कानपुर की फॉर 1 डे ट्रिप। तो सबसे पहले पॉपअप होके आया ओरछा, विच इज अराउंड 250 किलोमीटर। चलिए शुरू करते हैं। अब क्योंकि सुबह काफी थी, ठंड काफी थी और भूख भी काफी लगी थी, तो पहला स्टॉप तो हमने कानपुर से निकलते ही ले लिया था। अराउंड 30 किलोमीटर पे अपन ने गाड़ी लगाई विलेज द ढाबा पे, जो कि कानपुर झांसी हाईवे पे 30 किलोमीटर पे है। और जब हमने एक्सप्लोर किया तो पता चला कि काफ़ी अच्छा ढाबा है ये, खाना तो अच्छा था ही, इनफैक्ट इनका एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, अंदर भी इन्होंने बना रखा है काफ़ी अच्छा एक छोटी पार्टी के लिए, बढ़िया जगह ये। और इस स्टॉप के बाद हम सीधे रुके 130 किलोमीटर बाद। अपन रुके हैं चाय के लिए एक, और अब हम लोग पोजीशन स्विच कर रहे हैं मेरी, क्योंकि कमर अब थोड़ी दर्द हो गई है 130 चलाने के बाद नॉन स्टॉप। तो अपन अब चेंज कर रहे हैं, अब पांडे जी चलाएंगे गाड़ी, मैं थोड़ा विश्राम कर रहा। यहाँ से आगे की जर्नी पांडे जी कवर करेंगे। अब गाड़ी की कमान अपने हाथ में लेते ही पांडे जी बन गए अपने बुलेट राजा। फिर तो इन्होंने गाड़ी रोकी है सीधे 2 घंटे बाद झांसी के कट पे, जो कि ओरछा मोड़ के आलाता है। तब हमने चेक किया और रियलाइज किया कि हाँ, सही टाइम पे, एकदम करेक्ट टाइम पे ओरछा एंटर कर चुके हैं। ओरछा एंटर करने के बाद हमने अपने होटल में चेक इन किया, और जहाँ के मैनेजर बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ही स्वीट नेचर के हैं, उन्होंने हमें पूरा थॉरली गाइड किया कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे टाइम मैनेज करें, क्योंकि हमारी 1 डे ट्रिप है, तो उन्होंने उसी हिसाब से हमें गाइड किया। द होटल इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय मिस्टर गौर एंड हिज सन अनिकेत। And I'm telling you guys, their hospitality is truly remarkable. उन्होंने हमें अपनी टेरेस का एक्सेस भी दिया और छत से हमें गाइड भी किया कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। और ट्रैकिंग वैकिंग भी होती है, हाइकिंग ट्रैकिंग ये सब भी होता है। वो एक नंबर दे देंगे, वहीं पर उसका ऑफिस है जो राफ्टिंग कराता है। अच्छा, ये सबसे ऊंचा वाला क्या है? चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज। तो कुछ देर आराम और पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफर के पहले पड़ाव पे, जो कि है बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत बेतवा नदी पे बना हुआ बेतवा ब्रिज। तो भाइयों, अभी हम लोग हैं बेतवा रिवर के ऊपर, और ये सामने एज यू कैन सी यहाँ होती है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग भी होती है, कायाकिंग भी होती है, और कल हम लोग वहाँ सेंचुरी में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग साइकिलिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये एक नेचुरल रिजर्व सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ सामने है द कौन सा ओरछा रिजॉर्ट, द ओरछा रिजॉर्ट। तो ये फाइव स्टार का 5-स्टार रिजॉर्ट है, काफ़ी जगमग है, आलिशान। इन्होंने पूरी लेन ही प्राइवेट कर रखी है। और ये है बेतवा रिट्रीट, ये भी बढ़िया जगह है रुकने के पर्पज़ से, ठीक है। हम लोग अच्छा यहाँ पे रिवर साइड पे, बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। हाँ, हमारा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। वो कहते हैं ना, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, थ्रिल लविंग और पीस लविंग, एंड लकीली ओरछा हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।
ब्रिज के इस पार जितना पीस और कॉम्पोजर है, ब्रिज के उस पार उतना ही थ्रिल और एडवेंचर है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चलते हैं ब्रिज के उस पार। अगर आप ओरछा में हैं और आप सुबह साइकिलिंग पे नहीं जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आई एम टेलिंग यू गाइज, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे ये नज़ारा देखने की। ये नज़ारा अपने आप में ही इतना अमेजिंग है, मेस्मराइजिंग है कि इसको देखते ही हम लोग जो थकान थी और जो हम लोग रात को सो नहीं पाए थे वो सब भूल गए। ब्रिज के उस पार है हमारा ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें एंटर करने के लिए आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी देनी होती है। हालांकि हमारी फ़ीस जो हमारे गाइड हैं उनके पैकेज में ही कवर्ड थी, बट अगर आप इंडिविजुअली भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से एंट्री फ़ी 50 रुपये दे के अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इस टेरेन में बाइकिंग करने का मज़ेदार एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको कुछ ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आपने पहले नहीं देखे होंगे, और आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वाइल्ड लाइफ के बारे में बाय आर टूर गाइड। और ये जो बेहतरीन नज़ारे आप देख रहे हैं उनके बारे में तो कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप गर्मियों में ओरछा जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट अगर आप सर्दियों में ओरछा जा रहे हैं और साइकिलिंग का प्लान करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ही हैवी कपड़े ना पहने, क्योंकि 6 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद आप अंदर से ऑलरेडी भीग चुके होंगे। तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि ये गलती हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इस ट्रिप पे कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी मिली जो हमने प्लान नहीं की थी, बट एज अ बोनस वो हमें मिल गई। अब मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो जानने के लिए चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट एक्टिविटी में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कल यहाँ पे है विवाह महोत्सव, राम विवाह है यहाँ पे। और ये क्या कहते हैं, कल आज मंडप है, कल पर यात्रा होगी और परसों राम कलेवा। तो जैसा वो हिंदू कस्टम्स में रहता है, पूरा यहाँ पे उस तरीके से किया जाता है। और अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। तो भाई हम लोग आए थे एक्चुअली यहाँ पे रैंडमली, बट यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ पे राम विवाह का महोत्सव चल रहा है आजकल। तो कल राम विवाह है, आज मंडप है। तो प्रभु राम को यहाँ पे हल्दी लगाई जाती है मंडप में, जैसा जानते हैं लड़की को हल्दी लगाई जाती है, तो वो सब यहाँ पे चल रहा है। फॉर्चुनेटली हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अंदर जाके हमने वो चीज़ लाइव देखी। और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ मंदिर के बाहर ही चाय बहुत ही अच्छा लिया, बढ़िया चाय होती है पी रहे हैं। मतलब प्लान कुछ और किया था और मिल कुछ और भी गया, एड होने को यहाँ पर बोनस ट्रिप हो गई। तो अच्छा लगता है कि मतलब आप मंदिर आते हैं और इतना बड़ा इवेंट, जैसे अभी बता रहे थे यहाँ के लोकल कि अगर ये कोविड ना होता तो कम से कम 2 से 4 लाख आती यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। अच्छी चीज़ है कि हम लोग अनप्लान तरीके से भी आ गए, लेकिन हम लोग को वो चीज़ देखने को मिल गई जो बहुत सारे लोग इस साल फेस कर रहे थे। तो वही ऐसे कभी कभी कहते हैं कि अनप्लान ट्रिप का बेटर देन प्लान वन, सब वही हुआ। चाय भी ख़त्म हो रही है और बैटरी भी ख़त्म हो रही है और स्पेस भी ख़त्म हो रही है, तो अपने को जाना चाहिए होटल, फिर रात को निकलते हैं तो अपडेट देते हैं। अब आप ओरछा आएँ और फोर्ट्स ना जाएं तो भैया आपकी ट्रिप है इनकम्प्लीट। तो उसको पूरा करने के लिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में और चलते हैं जहांगीर महल। बट उससे पहले एक कहानी। जहांगीर महल एक्चुअली जहाँ यहाँ के राजा थे ओरछा के, उनकी मुगल से बहुत अच्छी पट्टी थी, तो अच्छे रिलेशन थे। तो वो एक दिन मिलने आए थे, उस चक्कर में ये पूरा जहांगीर महल बना है। सिर्फ एक दिन के उसके स्टे के लिए, सिर्फ एक दिन के स्टे के लिए पूरा महल बना है जो हम लोग अभी विजिट करेंगे। तो दिखाइए इतना आलीशान महल सिर्फ एक दिन की विजिट के लिए बनाया गया है। बताइए, ये ठाट होते थे पुराने राजाओं के? ऐसे ही नहीं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था अंग्रेजों के शासन के पहले, वो थी भी। नाउ व्हेन यू नो द फैक्ट्स, लेट्स गेट इन। तो ये है हमारा जहांगीर महल,
और यहीं पे लोकेटेड है हमारे कुछ और भी मॉन्यूमेंट्स लाइक दासियों का किला, ओरछा फोर्ट। और याद रहे इनमें कंबाइंड एंट्री सिस्टम है, यानी कि आपको यहाँ एंट्री करने के लिए सिर्फ एक टिकट लेना है जो कि मात्र 10 रुपये का है इंडियंस के लिए। इनफैक्ट इसी आपके टिकट में इंक्लूडेड है चतुर्भुज टेम्पल भी। ये हमारा चतुर्भुज टेम्पल है और ये हमारा राजा राम टेम्पल है। इसकी एंट्री अभी आज नहीं है हम लोग को, कल सुबह होगी क्योंकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आता है। तो कुछ ऐसा हम लोग को समझाया गया जो हम आपको समझा रहे हैं, तो समझ जाओ बस कल सुबह जा पाएंगे। भाइयों अभी हम लोग हैं चतुर्भुज टेम्पल में और इसका पर्पस पांडे जी बताएं जल्दी। इसका पर्पस ये था कि ये महल, ये मंदिर जो है वो एक्चुअली बनाया गया था राम राजा को यहाँ पे स्थापित करने के लिए, बट जब वो अयोध्या से लेके चली रानी तो यहाँ पे ये उन्होंने शर्त रख दी थी राम राजा ने कि हमें जहाँ स्थापित करोगे, जहाँ रख दोगे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। तो राजा ने ये मंदिर बनवाया था ताकि रानी सामने से अपने महल से देख सके, दर्शन कर सके, बट क्योंकि यहाँ पे रानी ने रसोई करने ही सब रख दिया था तो इस वजह से वो वहीं स्थापित हो गए। तो जो उन्होंने कल राम राजा विवाह, राम विवाह देखा था वो हमारा एक्चुअल मंदिर और ये मंदिर होना था बट ये हो नहीं पाया। तो ये मंदिर काफ़ी समय तक खाली था बिना मूर्ति के था, बट अब यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई है अभी 4-5 साल पहले। ओके सो गाइस अभी हम लोग हैं राजा पैलेस में, मतलब राजा फोर्ट में, ओरछा फोर्ट के। और ऐसा आप लोग देख सकते हैं काफ़ी वीरान सा पड़ा है, इंसान सा पड़ा है। आइए आपको इसका मेन पार्ट दिखाते हैं, काफ़ी एंटाइसिंग जगह है वैसे ये, यू नेवर नो आपको आगे क्या मिले। हम लोग को अभी 2-3 डेड एंड्स मिल चुके हैं, ये तो फिर भी हम लोग को पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं मेन एंट्री पे। ऐसा दिखता है ये मेन एंट्री से। अभी भी आपका मन ना भरा हो तो भैया एक ही तरीका है आपकी आत्मा को तृप्त करने का और वो है ये। As you can see, हमारी बोट्स या यू कहें कि हमारे कायाक तैयार हो रहे हैं कायाकिंग के लिए। So now let's hit the water. ओके हमारा दूसरा स्टॉपेज भी यहाँ पे कंप्लीट। अब वापस, अब किधर जाना है अपने को? अच्छा सही में ओके ये वन वे ट्रिप होने वाली थी, बताया नहीं किसी ने। कहता हूँ कैमरा बंद कर देना नहीं ऑटो पकड़ेगा, ऑटो 10 रुपए ले लो। तो ये बटाटू मुंडन होना है, बटाटू मुंडन के लिए मैंने सोचा वो सही लग रही। वो एक डोम की पूरा महल बुक करना चाहते हो? एक डोम में यार कहाँ कुछ हो पाएगा। ठीक है यार, इतने तो गेस्ट आने हैं ओवरसीज। बक्सर वाली चाची भी आ रही है, उनके ज्यादा नखरे रहते, उनको 4 कमरे चाहिए एटलीस्ट। 4 कमरे उनको एक जहांगीर महल बनवा दो अलग से, उनके एक ही दिन तो आ रही है। वो भी बुंदेलखंड में वो रखा है ये रिजॉर्ट, तुमने सुना है टेक ओवर कर रहा है? टेक ओवर क्लब्स इंडिया की एक ब्रांच यहाँ खोलने वाली है। वो तो बात हो गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि उतने पे नहीं कर पाएंगे। ये भी ठीक है यार, वो यार इतनी प्रॉपर्टी में क्लब्स इंडिया आ भी ना पाता। वो तो हम लोग ने बस नाम के लिए कहा था कि ओरछा में प्रॉपर्टी हो जाए अपनी क्लब्स इंडिया की। थोड़ा कोई देखो वैल्यू जगह के हिसाब से रखते हैं ना, जगह अच्छी है दिल आ गया दे देते हैं। वही है तो रॉयल्टी कम मिलेगी, 2-4 करोड़ क्या जाता है? नहीं ये 220 करोड़ बस चल। ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद ये मत सोचिएगा कि ओरछा से रैप अप हो गया, एक बोनस एक्टिविटी आपके लिए भी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं उस पावर ट्री या कल्प वृक्ष
कल वृक्ष के पास, वृक्ष जिसका हम लोग ने कल पता पूछा था, जहाँ हम लोग रुके थे अपने फ्रेंड के यहाँ उससे। और ये काफी लेसर नोन चीज है यहाँ पे, ज्यादातर लोग को नहीं पता है इसके बारे में जो बाहर से आते हैं कि ये भी यहाँ पे एक ऐसा कल्प वृक्ष। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आपको पत्तियाँ ज्यादा नहीं दिखेंगी, बट क्योंकि ये एक माइंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत स्पिरिचुअली बहुत फेमस ट्री माना जाता है। और इंडिया में बहुतों को नहीं पता है, बट फॉरनर्स में इसका एक बहुत वैल्यू है। लोग यहाँ आके मेडिटेशन करते हैं और मतलब यहाँ पे चाइना और जापान और इन सब से बेसिकली ज़्यादातर लोग जो आते हैं। और ख़ास बात इसलिए है ओरछा ट्रिप में इसको कवर करने की, क्योंकि पूरे इंडिया में ये 8 है, एशिया में सिर्फ 15 है और ओरछा में 2 हैं। मतलब पूरे इंडिया में 8 है और ओरछा में सिर्फ ओरछा में ही 2 पेड़ हैं, तो इसकी ये खासियत है। तो इसको कवर करना तो बनता ही था इस ट्रिप पे। ऑल्दो हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो गई, लेकिन स्टिल हम लोग ने ये चीज़ कवर करना ज़रूरी समझा, रादर देन वो चीज़ें जो ऑलरेडी सबको पता है